आप सबका स्वागत करते हैं विजन नोटिस टीवी में। आज उमरांगसु के तुंगोंग इलाके के स्थानीय बासिंदाओं ने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट था मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्फ कोर्स उमरांगसु को जाने वाली रोड को लेकर। मुद्दा था धूल। रास्ते पे उड़ती धूल ने जीना हराम कर दिया है स्थानीय बासिंदाओं का। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हो रहे हैं बीमार। डस्ट पॉल्यूशन के चलते परेशान लोगों ने आज कर दिया गोल्फ कोर्स जाने वाले रास्ते को बंद। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है आरोप, काम में कर रहे हैं ढिलाई। देर साल से है परेशान तुंगबुंग के लोग। बन जाएगा वाले तकिया कलाम से अब नाराज हो गए हैं गांव वाले। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा विजन नोटिस टीवी को। क्योंकि हम लोग का यहाँ में गांव का एक गांव का रोड है ना, जो मेन रोड है गोल्फ हिल जाने वाला, तो एक गोल्फ हिल का रोड है कि अभी एक डेढ़ साल से इसका कंडीशन बहुत खराब है। कि बारिश आने में एक कादा होता और सूखना दिन में एक पूरा धूली होता। धूली से पूरा हम लोग का बच्चा लुकुन सब बीमार। अभी फिलहाल में पूरा बच्चा लुकुन बीमार है और अभी स्कूल भी छुट्टी है समर वेकेशन का। अभी बच्चा लुकुन निकल के खेलने भी नहीं सकता फील्ड में, इतना धूला हो गया। और ये मंदिर है सामना में, अभी हम लोग का एक बमबोले शुरू हो गया यहाँ मंदिर में। हम लोग डेली सफा करता तभी भी जाता है मंदिर में, पूरा धूली धूली धूली, पूरा मूर्ति को पहचानने नहीं सकता, इतना धूली होता। तो जो भी कॉन्ट्रेक्टर है या इंजीनियर है जो भी है, तो उन लोग को अच्छा तरीका से काम करना चाहिए। क्योंकि ये गाँव है, ये कोई सिटी नहीं है कि गाँव है। यहाँ में बच्चा लोग को ना, हम लोग का गरीबी बहुत है यहाँ में। हम लोग का पास इतना पैसा नहीं है कि बीमार होगा तो हॉस्पिटल चला जाएगा काम में। और दूसरा बात, हम लोग का यहाँ में मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है, तो हम लोग बच्चा लोग बीमार होने में क्या करेगा। अभी इतना 200-250 गाड़ी इधर में अप डाउन होता है। आप लोग का सामने यहाँ में एक दो गाड़ी जा रहा है कि कितना धूला उड़ रहा है वहाँ में। हम लोग मजबूर है अभी ये करने के लिए, क्योंकि हम लोग रास्ता ब्लॉक करने के लिए आए के बैठा यहाँ में। रास्ता ब्लॉक भी किया और गाड़ी भी पूरा जास्ती हो गया कि बाहर से टूरिस्ट लोग आया तो उन लोग को देख के माया भी लगता। तो अभी हम लोग इतना विनती करता है, इंजीनियर हो शायद कॉन्ट्रेक्टर हो जो भी हो उन सबको, और हम लोग का यहाँ में रास्ता में जो भी जितना काम करता है सबको हम लोग इतना रिक्वेस्ट करता है कि अगर रास्ता का काम चालू करिए, जल्दी करिए, ये रास्ता जल्दी से ठीक करिए। तो कल से यहाँ में जब पानी डाल के काम नहीं होगा ना, अगर काम भी जल्दी करना चाहिए और पानी भी डालना चाहिए। काम जल्दी खत्म होना है। 200-300 गाड़ी भी चलता है। अभी समर वेकेशन का टाइम है, बाहर से टूरिस्ट लोग आता है। हम लोग को अभी आज यहाँ में रास्ता ब्लॉक किया, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग अभी तो बड़ा बूढ़ा आदमी लोग भी बीमार है इधर में, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हॉस्पिटल। हाँ, धूली का वजह से, पानी गिरने से, कादा का वजह से। अगर पानी नहीं गिरा तो धूली का वजह से। पहले तो ठीक था, लेकिन वो फेलकन का आगे से ये रोड खराब है। हाँ, बनाएगा बोलते बोलते आज हाँ डेढ़ साल हो गया। क्या पानी डालने के लिए बोलेगा तो एक बार जैसे तैसे एक बार डालेगा तो गाड़ी उधर से पूरा स्पीड से लेके आता, स्पीड से चला जाता है। एमएससी से तो नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर साथ में तो बात हुआ। अगर कोई साहब लुकुन आया यहाँ में, अगर कोई बड़ा आदमी आएगा तो यहाँ में आगे से पानी का गाड़ी रेडी हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। हम लोग आदमी नहीं है। सीएम साहब ने तो बोला ही था कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बोलिए,